इसे स्कूल तो अजे तक जान छुड़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ये चांद रात की वीडियो है और भाभी चली गई थी अटक अपनी अम्मी के घर और भाई आज हमारे घर थे, तो मैं उनके लिए अचार गोश्त बना रही थी क्योंकि मेरे भाई को अचार गोश हो गया, चिकन कढ़ाई हो गई, ये जो है ना पसंद है, तो फिर मैंने कहा चलो आज उनकी पसंद की डिश बनाती हूँ अफ्तारी में। ये अभी बाजी के घर की वीडियो है, हम लोग मैं और भाई जो है ना बाजी के घर चले गए थे। जईद की आज नाइट थी, वो तो ड्यूटी पे चले गए थे और मैं जो है ना बाजी के घर आई हूँ। भिनोई मेरे तकाफ पे बैठे थे तो उनको मिलने आए थे और आगे आए तो जो है ना चांद अभी नज़र ही नहीं आया था, इस वजह से वो लोग नहीं आए थे। फिर मैंने कहा चलो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, बाजी की बहू मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, छोटी वाली बहू। फिर चांद नज़र आ गया और जो है ना भिनोई को जो है ना ले के आए हैं मस्जिद से। और फिर मैं घर आ गई और घर आके जो सबसे पहले मैंने काम किया है वो मेरा बहुत अहम काम था, मेरा सूट अभी तक ईद का सिलाई नहीं हुआ था, तो मैं फिर जो है ना ईद का सूट सिलाई करना शुरू हो गई थी क्योंकि जो है ना इतने घर में काम थे कि बस सूट रहते रहते रह गया था। और मैंने कहा था चलो मैं कोई और पहन लूँगी, लेकिन जईद ने कहा है कि नहीं तुमने यही वाला सूट पहनना है। तो फिर मैंने कहा चलो सिलाई कर लेती हूँ और ये फिर मैंने टसल बनाए हैं और जो है ना लैस गले पर लगाई है और सिलाई करना शुरू हो गई। ये अभी नेक्स्ट डे है और ये ईद का दिन है और मैंने जो है ना सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। मैंने कहा जईद अभी तक नाइट से वापस नहीं आए थे और भाई भी नहीं आए, तो मैंने कहा चलो पहले मैं सबसे पहले सफाइयाँ कर लेती हूँ इस कमरे की। ये मैंने नई बेडशीट ली है तो मैंने कहा चलो ये नई बेडशीट बिछा लेती हूँ। इस कमरे की मैंने प्रॉपर सेटिंग करनी है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ना इजाज़त नहीं है, जेब इजाज़त नहीं दे रही तो इंशाल्लाह जो है ना इसकी भी प्रॉपर सेटिंग करूँगी। और साथ साथ सेटिंग कर रही थी और साथ जो है ना आपको पता है ईद वाले दिन जो होता है ना बंदे का दिल बहुत खफा होता है, अपने बिछड़े हुए बहुत याद आते हैं, तो मुझे भी बस अम्मी और बाजी बहुत याद आ रही थी और अम्मी की बहुत यादें आ रही थी। सोच रही थी कि हमने जब से होश संभाला है और जब भी हमारे ईद होती थी तो अम्मी का जो मूड होता था वो ख़राब होता था और अक्सर हम लोग आपस में बैठ के कहते थे कि अक्सर जो है ना अच्छा दिन आता है तो अम्मी का मूड ख़राब हो जाता है, और हम समझ ही नहीं पाए थे कि अम्मी का हमारे मूड क्यों ख़राब होता है। और अब जाके जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो पता चला है कि वो अम्मी का मूड ख़राब नहीं था, वो अम्मी का दिल खफा होता था, क्योंकि जब ऐसा बड़ा दिन होता है तो अम्मी अब्बू बहन भाई सब की यादें आती हैं, तो जो है ना उस याद में जो होता है ना फिर बंदा परेशान होता है। तो वो बड़े लोग थे, उन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं थी, तो वो तो जो है ना फिर वो बैठ के खफा होते थे, उनको जो है ना फिर हम उनको देखते तो हम समझते थे कि हमारे अम्मी का मूड ख़राब है। मूड ख़राब नहीं होता था, अम्मी का जो होता था दिल खफा होता था। हम जो नई नस्ल है हम लोगों को जो है ना बहुत सी बातों का पता चल गया है कि अगर मूड ख़राब भी हो और दिल खफा भी हो लेकिन जो घर का माहौल है उसको ठीक रखना चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो खुद ही एक ड्रामा है, तो इसमें जो है ना हमें खुद भी थोड़ा बहुत ड्रामा करना चाहिए, तभी ज़िंदगी जो होती है ना वो खूबसूरत होती है। नहीं तो अगर हम लोग ड्रामा ना करें तो फिर घर का माहौल ख़राब होता है, और घर का जब माहौल ख़राब होता है तो फिर बहुत से मसले मसाइल बन जाते हैं। इसलिए अपने घर के माहौल को हमेशा
खुशगवार ही रखना चाहिए। काम मेरे सारे ख़त्म हो गए और अभी मैं आई हूँ रूम में और मोबाइल को थोड़ा चेक किया है, क्योंकि हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो हमें सोशल मीडिया की मालूमात भी रखनी होती है। मैं चेक कर रही थी कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। अभी मैं किचन में आई हूँ, मैंने कहा चलो चाट बना रही थी और खीर बना रही थी। वैसे हम जो है ना दिन का खाना हमारे बाजी के घर था, बाजी ने इनवाइट किया था कि ईद पे जो है ना खाना आप लोगों ने हमारे घर खाना है, तो मैंने कहा फिर भी बना के चीज़ें रख लेती हूँ कि वापस आएंगे तो अगर कोई बंदा आ जाता है तो चलो ये चीज़ें तैयार होती हैं। और फिर जो है ना अभी जईद भी नहीं आए थे, नाइट से भी नहीं आए थे, भाई भी नहीं आया था, और जईद नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह जो है ना आएंगे, क्योंकि ईद की नमाज़ थोड़ी जल्दी होती है, तो इस वजह से जो है ना मैं इनका ज़रा सुकून से मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। साथ साथ काम कर रही थी और सबकी बहुत याद आ रही थी, भांजे भांजे जो बाहर चले गए, वकास सुंदस और छोटी लाइबा और शुमाइला, शुमाइला के बच्चे आदि जैनब, और सब बहुत याद आ रहे थे। अम्मी बहुत याद आ रही थी, बाजी बहुत याद आ रही थी, एक सिस्टर और भांजे भांजे तो वो तो इधर रहते हैं, उनसे तो हमारी मुलाकात हो जाती है, लेकिन जो बाकी रिश्ते हैं जो हम लोगों से बहुत दूर हो गए, इनकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन ये कि जो है ना अपने घर के माहौल को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो ज़िंदगी होती है, हमारी ज़िंदगी के जो दुख होते हैं ना, जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं, उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता है कि हम उनको सजा दें, घर का मूड जो है ना ख़राब रखें, माहौल ख़राब हो, और जो है ना मैं खफा जईद बैठी हूँ, रो रही हूँ, और जईद कह के क्या हुआ है, तो मैं कहूँ भाई मुझे बहन भाई याद आ रहे हैं, तो इसमें जईद का तो कोई कसूर नहीं, जईद को तो जो है ना उसके लिए तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए ना, क्या पता जईद जो है वो कितने अपने बहन भाइयों को याद कर रहे हों, क्योंकि जो है ना जईद भी अक्सर ईद जो होते थे वो अपने बहन भाइयों में गुजारते थे, और इस दफ़ा हमारी ईद इधर है क्योंकि जईद को भी छुट्टियां नहीं मिली थी, और यहाँ पे मेरी खीर भी तैयार हो गई है। इधर जईद और हयात जो थे वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे ईद की, और मैंने उनके लिए जो है ना मज़ेदार सा अंडे और पराठे वाला नाश्ता बनाया। डिशें मेरी तैयार होगी, मैंने कहा डाइनिंग टेबल की सेटिंग कर लूँ, क्योंकि जो है ना ये भी एक अहम सेटिंग होती है, और मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं हर चीज़ को डेकोरेट करके रखूँ, मुझे बस इन चीज़ों का जुनून है। डाइनिंग टेबल मेरा सेट हो गया था, फिर मैंने कहा चलो मोहल्ले में भी जो दो चार घर हैं उनके घर खीर और चाट दिए हूँ, क्योंकि जो है ना हमसायों का भी जो है ना हम लोगों को पूरा पूरा हक होता है। We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.
and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. पहला दिन बाजी के घर खाना खाया, खाला के घर ईद मिलने गए, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और दुआ में याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।